नमस्कार साथियों, वनक्कम। मैं प्राची अधिकारी आज आपके समक्ष तमिलनाडु में डीएमके के विध्वंस की कहानी आपको बताने जा रही हूँ। डीएमके जब से सत्ता में वापस आई है, यानी इस डीएमके पार्टी का इतिहास जो है क्रिश्चियन मिशनरियों को खुश करने वाला और इसकी पृष्ठभूमि क्रिश्चियंस पे है। आपको पता ही है, पूरा परिवार जो है इन लोगों का वो पूरा कन्वर्टेड है। इन लोगों ने एक मुथुमकुलम एक झील है, उसको वो मंदिर, उसके आसपास सब मंदिर हुआ करते थे, तो उसको सौंदर्यकरण के नाम पर उसके आसपास कुछ भी नहीं रहना है करके इन्होंने मंदिर तोड़ने चालू कर दिए। और इनकी जो सिविक सोसाइटी है, यानी कि वहाँ की जो सिटी कॉरपोरेशन है जो डेवलपमेंट का कार्य देखती है, उसने 100 साल पुराना मंदिर तक ढहा दिया है। अब ये मंदिर कौन कौन से हैं? अम्मम कोविल मतलब अम्मा का मंदिर होगा, ये किसी अम्मा का कोविल, जो भी हमारी देवी होती है कोविल, उनके नाम से अम्मन कोविल मंदिर है। बन्नारी अम्मम कोविल मंदिर है। कृप्रायान कोविल मंदिर है। अंगल अम्मम मंदिर है। इतने मंदिर इन्होंने 7, जबकि जो वहाँ के जो हिंदू मुन्नारी स्टेज के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जिनका नाम है आरर मुग्रसन, जो हिंदू मुन्नारी के स्पोक्स पर्सन हैं आरर मुग्रसन, इन्होंने कहा है कि 7 मंदिर जो थे वो सिटी के अंदर थे और 2 सिटी के बिल्कुल बाहरी क्षेत्र में, और आसपास चिपके हुए कोई भी मंदिर नहीं थे। जो इन्होंने आदेश दिया वो बिल्कुल गलत है और वो न्याय संगत नहीं है, और इन्होंने बिल्कुल वेट भी नहीं करा और सीधे बिल्डिंगें धड़धड़ा के गिराना शुरू कर दिया। और वहाँ पर सिटी कॉरपोरेशन जो है वो किसी भी बात देने के लिए, जवाब देने के लिए अवेलेबल भी नहीं है। जब पत्रकार वहाँ जा रहे हैं, कोई बड़ी अथॉरिटी जा रही है, तो वो वहाँ अवेलेबल भी नहीं है। और डीएमके की गवर्नमेंट जो है वो जब से आई है वो लोगों की भलाई से ज़्यादा कितने मंदिरों को तोड़े उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। अब आप सोचिए, निर्माण के नाम पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो मंदिर ढहाने के लिए उपयोग हो रहा है, और मंदिर कितने कितने करोड़ों की आमदनी देने वाले वो मंदिर हैं, सौंदर्यकरण के नाम पर 100 साल पुराने मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये किस तरह की राजनीति वहाँ चल रही है? और ये जब से राहुल गांधी दक्षिण की तरफ, यानी कि केरला वगैरह गया है, जहाँ से तमिलनाडु भी बहुत करीब है, कोयम्बतूर का जो एयरपोर्ट है वहाँ से बहुत नज़दीक पड़ता है, ये आई थिंक कोयम्बतूर से ही पड़ता है, पलक बहुत नज़दीक पड़ता है। अब आप सोचिए, उनके कुछ एयरपोर्ट से, अब एग्जैक्टली वो नाम मुझे जगह नहीं मालूम है, मैं गई थी केरला, मुझे याद है, तो उसी एयरपोर्ट के थ्रू हम लोग गए थे। अब आप सोचिए कि ये कितना विध्वंसकारी काम डीएमके कर रही है और कोई सुनवाई किसी हिंदू की वहाँ नहीं हो रही है। क्या ऐसे में हम सब देशवासियों को अपने लोगों का साथ नहीं निभाना चाहिए? भले ही चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो या वहाँ जाके प्रोटेस्ट में उनका साथ देने से हो, ये बहुत गलत कार्य हो रहा है। ये हमारे भारत के लिए आगे चल के अच्छा नहीं है। अगर कोई भी क्रिश्चियन ये सोच रहे हैं वो इस तरह से मिशनरियों के एजेंडे पे या कांग्रेस के एजेंडे पर या किसी माइनॉरिटी वोटर्स को खुश करके हिंदुओं के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी करेंगे तो वो बचे रहेंगे, वो सबसे बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे चर्चों को कब्जा करके रोम को, जो क्रिश्चियनिटी का गढ़ माना जाता है, जहाँ पॉप बैठता है, उन जगह के चर्च पे भी कई जगह पे कब्जा किया हुआ है। यूरोप तो आप समझिए आधा इनके हाथों में जा चुका है। अगर आप अभी भी नहीं संभले और इसी तरह की हरकतें करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब आप बिल्कुल ही मंदिर मुक्त हो जाएंगे। तो फिर ये छिंदी चोर पैसा कहाँ से लेंगे, मुझे ये बता दीजिए। ये जो छिंदी चोर बार बार हम पे आरोप लगाते हैं, हमारे लोगों पे आरोप लगाते हैं, और डेवलपमेंट के नाम पे, शरिया के नाम पे जो भारत सरकार से पैसा लूटते हैं, फिर उनका क्या होगा ऐसे लोगों का, अगर मंदिर ही समाप्त हो जाएंगे तो?
खुद इस बात पे विचार करिएगा और मेरी सारी संवेदनाएं अपने तमिलनाडु के भाई बहनों के साथ हैं, ऑल माय हिंदू ब्रदर्स लिविंग इन तमिलनाडु, कोयम्बतूर स्पेशली. आई हर्ड द न्यूज़ ऑफ देम डिस्ट्रॉइंग द टेम्पल्स नियर बाय द मुथुनकुलम लेक इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. They have even destroyed the outside city and inside city temples. The temples which were 100 years old, older than 100 years or 100 years old, where people have a lot of faith praying. This DMK government has decided to demolish all those. Even some of those which were having archaeological importance, still this government has tried to destroy. I don't know what God has decided for us, but it's really going to be a tough battle. If you guys are not going to be united, no matter which state you are from, I want us to get united, whether in the small lanes, mohallas, village, city, wherever we live, whichever state we live, we need to stand with each other. If we will not stand with each other today, then our religious or dharma symbols will be destroyed like this only, and we will be having no more temples remaining in India to pray, and we will be left by option, only two options, either to convert or to die. Now you decide, you choose death or you choose conversion or you choose life. With pride, having our religious symbols around, and remember, India is the only Hindu land where we can live with pride. With this news, I'm leaving you guys right now. We'll come back shortly or later with new update. My condolence to all Hindu brothers and sisters in Tamil Nadu who believe in our dharma as much as I do, and who are feeling deep pain and grieving about the incident of demolishing of temples. With this, I Prachi signs off. मैं प्राची अधिकारी अब आपसे विदा लेती हूँ. इसी संदेश के साथ ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, और क्योंकि अभी मैं आधी नींद की अवस्था में हूँ, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, तो अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ कंप्लीट करना आज बहुत ज़रूरी था. अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाथ जोड़ के विनती है मेरी. और ये मैंने इसलिए भी न्यूज़ कही है ताकि तमिलनाडु के ब्रदर्स समझ जाएँ, वहाँ के लोग समझ जाएँ. अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि दिमाग में है, दिल पे है, दिमाग में है, मुँह में है, लेकिन थोड़ा बॉडी में नींद है, बस यही कारण है. जय जय श्री राम, हर हर महादेव.